गुड मॉर्निंग माई लिटिल स्टार्स, हाउ आर यू? टॉप ऑफ द वर्ल्ड, वेरी गुड बेटा। आप सब बच्चे मम्मा का कहना मान रहे हो ना? मम्मा का कहना मानोगे तभी बेटा आपको मात्राएं सभी अच्छी तरह से आ पाएंगी। तो ठीक है, अब चलिए अब हम प्रेयर करेंगे। बोलेंगे इकट्ठा, बोलेंगे इनको दोनों को, बोलो लाऊ
क्या बना? लौकी। गौरी, गौरी। इन दोनों को माऊ सी। अब साकी साथ देखो ई की आ रही है ना आवाज, है ना, माऊ सी, माऊ सी। बोलो सब बच्चे इसी दोनों को इकट्ठा कऊ। अब मैम ने को नहीं ना बोला, देखो को नहीं ना बोला, कैसे बोला कऊ, है ना, कऊ आ। क्या बना? कौवा। तो आपने इसे बोलने का भी और लिखने का अभ्यास करना है। 48 निकालिए और सब बच्चे अपने अपने हाथ में अपनी पेंसिल लीजिए और देखो ऊपर पढ़िए पहले क्या लिखा हुआ है। ओ की मात्रा वाले शब्दों को मिलाओ और रंग भरो। अब हमने ये देखो बेटा डॉट्स लगी हुई ना, इन डॉट्स को मिलाते हुए हमने ये चित्र पूरा करना है, ठीक है। और ओ की मात्रा को ध्यान में रखना है। अब देखिए सबसे पहले शोर, अब देखिए शोर को किससे मिला रखा है, तोता, है ना, ओ की मात्रा को ओ की मात्रा से मिला रखा है ना। अब सब बच्चे नीचे आइए, देखिए तोता के बाद कहाँ पर नीचे ओ की मात्रा है, कहाँ, कोयल। वेरी गुड, हमने मिला दिया कोयल के साथ। अब कोयल के बाद देखिए कहाँ पर है ओ की मात्रा, नेक्स्ट क्या है, चोट। वेरी गुड, चोट के बाद देखिए ढोलक, ढोलक के बाद समोसा, उसके बाद चोटी। सब बच्चे साथ साथ बोलते भी रहिए बेटा, डोसा, चोटी, नोट, शोर। दोबारा शोर पर आ गए ना, देखो है ना, ये देखो ये चेहरा बन गया ना। अब हम इसकी टोपी भी बनाएंगे, ऊपर देखिए और कहाँ पर है, देखो ओ की मात्रा शोर के बाद ऊपर देखिए, ऊपर रोटी। गुड जॉब, रोटी के साथ मिलाया, तो इसके बाद रोटी के बाद मोर। वेरी गुड, मोर के बाद गोटी। साथ साथ बोलिए बेटा शब्दों को, ठीक है। गोटी के बाद टोपी, टोपी के बाद टोकरी, और फिर घोड़ा, और घोड़े के बाद दोबारा से कहाँ आ जाएंगे हम, तोता। वेरी गुड, देखो कितना सुंदर बना, क्या बना है ये बताओ, किसका चेहरा बना, जोकर। वेरी गुड, शाबाश। अब देखो बेटा, अब आपने इस जोकर की टोपी में कोई भी आप मनपसंद अपना रंग भरना आपने, ठीक है, इसके चेहरे पर भी सुंदर सा रंग फिल करना आपने, और फिर नीचे देखो नाम लिख कर बताओ आपने क्या बनाया, क्या बनाया, यहाँ पर आपने नाम लिखना है, क्या नाम है इसका, जोकर। हम इसे जोकर कहते हैं ना, ये हमें हंसाता है, सर्कस में देखते हो ना आप जोकर। अब यहाँ लिखेंगे हम जोकर, ठीक है। सब बच्चे अपनी पेंसिल से लिखिए इसे। चलिए अब नेक्स्ट है सुनो और सुनाओ, पकौड़ी। अब देखो नीचे चित्र बने हुए, कितने सुंदर सुंदर पकौड़ी के चित्र बने हुए है ना। आप लोग बताइए, आप लोग खाते हो पकौड़ी, खाते हो ना पकौड़े, किस किस चीज के खाते हो बेटा, प्याज के, आलू और पनीर, गोभी, पालक, खाते हैं ना, सब बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं पकौड़े। पकौड़े किस में तलते हैं बेटा, घी में तलते हैं, है ना, तेल में पकौड़े तलकर खाते हैं हम। तो बेटा अब सब बच्चे अपनी अपनी पेंसिल रखेंगे, पहले हम ये सुंदर सी अच्छी सी कविता रीड करेंगे, हम पढ़ोगे ना मैम के साथ साथ। वेरी गुड, सब बच्चे बोलो साथ साथ, दौड़ी, दौड़ी,
आई पकौड़ी। पेंसिल रखो बेटा अपनी साथ साथ, मैम के साथ साथ रीडिंग करो। चुन 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 चुन, तेल में नाची, प्लेट में आ शर्माई पकौड़ी, दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, हाथ में उछली, मुंह में पहुंची, पेट में जा घबराई पकौड़ी, दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, मेरे मन को भाई पकौड़ी। अच्छा लगा बेटा सब बच्चों को? एक्टिविटी करेंगे अब हम, औ की मात्रा जिस भी शब्द में होगी हम उस शब्द के नीचे अंडरलाइन करेंगे, रेखांकित। अंडरलाइन का मतलब रेखा अंकित करना, ठीक है। दौड़ी दौड़ी, अब देखिए इनमें कहां पर है औ की मात्रा, गुड शाबाश। दौड़ी दौड़ी को हम अंडरलाइन करेंगे। आई पकौड़ी, अब आई में है औ की मात्रा, नो है ना, पकौड़ी अब है ना इसमें, अंडरलाइन करेंगे हम इसे भी। जैसे कि चुन 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 चुन, अब इसमें कहीं पर भी है ना औ की मात्रा, है ना। अब नीचे देखो, तेल में नाची, अब यहाँ पर है बेटा किसी में देखो औ की मात्रा, नो गुड। अब नेक्स्ट देखो, प्लेट में आ, अब यहाँ पर है देखो कहीं, नो। शर्माई पकौड़ी, अब देखो कहाँ पर है औ की मात्रा, पकौड़ी के नीचे, गुड शाबाश। फिर देखो दोबारा से, दौड़ी दौड़ी, गुड। अब इसके नीचे फिर से हम अंडरलाइन करेंगे, है ना, रेखांकित करेंगे इन दोनों को। आई पकौड़ी, अब यहाँ पर बताइए कहाँ पर है, पकौड़ी के नीचे, गुड शाबाश। हाथ में उछली, अब यहाँ पर बताइए कहाँ पर है, नहीं है ना यहाँ पर औ की मात्रा कहीं भी। मुंह में पहुंची, अब यहाँ पर है बेटा कहीं, नो। पेट में जा घबराई पकौड़ी, अब बताइए कहाँ पर है औ की मात्रा, पकौड़ी के नीचे, वेरी गुड। देखिए नेक्स्ट, दौड़ी दौड़ी, अब कहाँ पर है फिर से, गुड, दौड़ी दौड़ी के नीचे अंडरलाइन करें। आई पकौड़ी, अब बताइए कहाँ करेंगे, पकौड़ी के नीचे, वेरी गुड। मेरे मन को, अब बताइए यहाँ पर है औ की मात्रा, नहीं है, है ना। अब देखो को देखो ओ की मात्रा है, ये ओ की मात्रा है ना, औ की नहीं है ना, तो हम यहाँ अंडरलाइन नहीं करेंगे। भाई पकौड़ी, अब बताइए यहाँ कहाँ है पकौड़ी, अब इसके नीचे अंडरलाइन करेंगे, है ना। कैसा लगा बेटा आपको? इसी तरह से आप बेटा इस तरह से करोगे ना नए नए काम, तो उससे आपको अच्छा लगेगा और फिर रीडिंग भी करनी है आपने बार बार। बेटा अब हम करेंगे लेख, लेख में सब बच्चे पहले रीड करो इसे। खरगोश दौड़ रहा है, अब देखो खरगोश, खरगोश में देखो ख को देखो बेटा, यहाँ से नीचे से ना ये जुड़ा होना चाहिए यहाँ से आपस में, ठीक है। खरगोश, अब ग के साथ कौन सी आवाज आ रही है आपको, ओ शाबाश। खरगोश दौड़, अब द के साथ औ की मात्रा, वेरी गुड। दौड़ रहा है, अब आपने इसे सुंदर सुंदर लिखना है और मैम को भी आपने व्हाट्सएप पर सेंड करना है। अब बेटा आपने रीडिंग करनी है डेली और रिटर्न वर्क करना है और प्रैक्टिस करनी है, ठीक है।
ओके बाय बेटा।